गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुधीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हिंदी के एक नए टॉपिक मुहावरे में। तो मुहावरे का जो टॉपिक है वो 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं, और उसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है मुहावरे से ही रिलेटेड लोकोक्तियाँ, उसको भी मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे मुहावरे को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, कैसे मुहावरे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन मुहावरे में बनते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो तो पसंद ही आते हैं आपको, अच्छे लगते हैं और आप लोग के रिस्पॉन्स भी अच्छा लगता है। आप लोग एक अच्छे अच्छे कॉमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख ले आप लोग अगर जो अन अकेडमी पर भी फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। तो करंट में बात करें UPSC के लिए मिडावल हिस्ट्री के क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं, और UPSSC वीडियो लेखपाल के लिए हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मुहावरा वो लोकोक्तियाँ। हम मुहावरा देखेंगे पहले, और देखेंगे हम मुहावरा किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। किताब में आपको बहुत सारे मुहावरे देंगे दिए होंगे, उसमें आप कैसे पढ़ेंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुहावरा होता क्या है। तो मुहावरे की बात करें, मुहावरा हमारा वाक्यांश, पदबंध या पद समूह होता है। मुहावरा हमारा वाक्य नहीं होता। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है मुहावरा क्या है, ऑप्शन में रहेगा वाक्य है, वाक्यांश है, शब्द समूह है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मुहावरा हमारा क्या क्या है देख लीजिए। मुहावरा हमारा वाक्यांश है, पदबंध है या पद समूह, ये तीनों हो सकता है। और मुहावरा एक लाक्षणिक अर्थ रखता है, ना कि वो अर्थ रखता है। मुहावरे देखिए कभी भी पूर्ण शब्द नहीं होते, वो पद समूह मतलब कोई पद नहीं होता या फिर समूह नहीं होता, मतलब कोई शब्द नहीं होता, वो शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक लाइन में देख सकते हैं, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। जो भी उसका अर्थ होता है वो नहीं किसी और चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है, तो वो मुहावरा हो जाता है। जैसे हमारा श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करने का मतलब क्या होगा, शुरुआत करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हो तो हम बोलते हैं श्री गणेश करना, लेकिन श्री गणेश करता नहीं है, शुरुआत ही करते हैं ना। तो इसी प्रकार प्रतिष्ठा बढ़ाना को हम बोलते हैं चार चार लगा दिया तुमने, तो ये सब बोलने मतलब इसी तरीके से बन गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो हम कुछ मुहावरे देखेंगे कैसे हम मुहावरे प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो और याद कैसे करते हैं। तो किताब में आप देखेंगे मुहावरे बहुत सारे मिल जाएंगे, देखिए आप कैसे मुहावरे बना सकते हैं, कैसे आप याद कर सकते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए आँख शरीर के अंगों से शुरू करते हैं, ठीक है। मुहावरे याद करने का तरीका सबसे अच्छा है हम शरीर के अंगों से शुरू करें और आगे ख़त्म कर दें, ठीक है। जैसे हम अंगों की बात करें तो अंगूठा आपसे मुहावरे बना सकते हैं, जैसे अंगूठा चूमना, अंगूठा दिखाना, और आँख से बना सकते हैं आँख उठाना, आँखें चार होना, आँखें ठंडी करना, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे उंगली से बना सकते हैं, जैसे उंगली कानों में उंगली करना, उंगली पकड़ना, और गले से भी बना सकते हैं गला फुलाना, खून खोलना खून से बना सकते हैं, कान से कान खोलना कान देना, ये सब हम मुहावरे बना सकते हैं। तो आज हम कुछ मुहावरे देखेंगे इंपॉर्टेंट जो शरीर से रिलेटेड है, आगे एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम आंसू से देखते हैं शरीर पे अंगों के बारे में, ठीक है। आंसू से देखेंगे तो हमारा आंसू पोंछना, धीरज बधाना, आंसू बहाना, खूब रोना। देखिए मुहावरे का टॉपिक आपके पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक वीडियो दो वीडियो बना के छोड़ दूंगा। अब आपको किताब से उठा के मुहावरे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, सब सीधे मेरी पढ़ाने की चीज़ें नहीं है, ये आप खुद पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है मैं वीडियो बनाऊंगा, पर्यायवाची के लिए भी कुछ ट्रिक होंगे, तत्सम तत्वों के कुछ ट्रिक लास्ट में बताऊंगा। तत्सम तत्व मैंने वैसे करा दिए हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंसू पी जाना, दुख का छिपा लेना। आँख से देखेंगे हम कुछ मुहावरे, जैसे आग उठाना, हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना, आँखें चार होना, देखा देखी होना, आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना, उसके बाद देखिए आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना, आंख पर बिछाना, बिठाना, आदर करना, आंखें फेरना, नजर बदलना, आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, आंख भर आना आंसू। देखिए इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। और अपने जो लाइफ स्टाइल में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेट करेंगे तो चीज़ें एग्जाम में आएंगी, ऑप्शन आएगा, अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आँखों से कुछ और देख लेते हैं, जैसे आँखों में धूल डालना, धोखा देना, आँखें लड़ाना, देखा देखी होना या फिर प्रेम होना, आँखें लाल करना, क्रोध की नज़रों से देखना, आँखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना, आँखों में चर्बी छाना, घमंडी होना, आँखों में खटकना, बुरा लगना, आँखें नीली पीली करना, नाराज होना, आँखें अंधा या फिर गांठ का पूरा। देखिए आँखें अंधा या गांठ का पूरा दोनों में से कोई भी है तो मूर्ख धनवान बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ वीडियो अभी। देखिए अभी जो टॉपिक आपके बचे हैं उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अलंकार बचा है,
छंद बचा है, उसके बाद आपका हिंदी साहित्य बचा है जिसमें आपके काव्य, उपन्यास, लेखक और संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये चार टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा है और मैं कोशिश करूंगा इसमें से देखिए अलंकार और छंद इसको मैं जल्दी ख़त्म करूं, और हिंदी साहित्य का आपको एक हफ्ते बाद गैप रहेगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद वीडियो मिलेगा, उसके बाद ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये एग्जाम से 15 दिन पहले आपको, 15 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, आंखें सेकना, किसी को सुंदरता पर आंखें जुड़ाना या फिर आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित होना, आंखों का प्यारा या फिर पुतली होना, बहुत प्यारा होना, आंखें गड़ाना, दिल लगाना या फिर इच्छा करना, आंखों में आना, आंखें आना, देखिए आंखें आना को हम बोलते हैं एक प्रकार की बीमारी आना, ठीक है। आंखें लगना, देखिए प्रेम करना, जरा सिरनी जाना, दो प्रकार से हम बोल सकते हैं, और आंखों से कुछ और देख लेना, जैसे आंखें रखना हो गया, ध्यान रखना, आंख मारना, इशारा करना, आंखें फड़कना, शगुन उचरना और आंखें खुलना, सजग होना, आंख में पानी रखना, मुरव्वत करना, आंख में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना, ठीक है। अभी देखिए, अंगूठा से भी कुछ बन सकता है, जैसे अंगूठा चूमना, खुशामद करना, अंगूठा दिखाना, देने से इंकार करना और अंगूठा न जाना चिढ़ाना। तो इस प्रकार से ये कुछ मुहावरे शरीर के अंगों से रिलेटेड हैं। एक वीडियो और मैं मुहावरों का बनाऊंगा और उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जो मैं लोकोक्तियों का बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पर्यायवाची का, उसके बाद नेक्स्ट अलंकार का, उसके बाद छंद का, उसके बाद हिंदी का हम टेस्ट पे फोकस करेंगे, और उसके बाद एक हफ्ते बाद आपको हिंदी साहित्य पूरा मिलेगा। हिंदी साहित्य एक हफ्ते पूरा हिंदी साहित्य हम कवर करेंगे, ठीक है। वन वीक में पूरा 1 वीक आपका चलेगा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में देखिए हिंदी साहित्य का विकास का 2 वीडियो मिलेगा, 2 वीडियो में हिंदी साहित्य का विकास, उसके बाद आपका काव्य, उपन्यास, लेखक, उसके आपको पूरे वीक चलेगा, ठीक है। उसके बाद संडे को एक पूरा 1 लाइनर क्वेश्चन और टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, और जो एक लास्ट टॉपिक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो बाद में कराया जाएगा, ठीक है। अभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, देखते रहे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों, जय भारत।